बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर अमेज़ॉन। मैं आपका टीचर शाहजेब, और आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लास नंबर 2 है। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके पास वो है व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क होता क्या है। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड सीडीज, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में कनेक्ट होते हैं, अभी मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपस में कोई ना कोई जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई बातें शेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आपके फ्रेंड सर्किल होता है, वहां पे एक नेटवर्क बना हुआ होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के भी एक कुछ ना कुछ आपके पास नेटवर्क बने होते हैं, जिसके थ्रू वो कोई डेटा शेयर कर रहे होते हैं, प्रिंटर शेयर कर रहे होते हैं, सीडी शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट्स। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपके केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट के थ्रू भी आप ये कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास नेटवर्क के एक डायग्राम देखते हैं हम। जैसे आपके पास ये एक डिवाइस लगी हुई है, ये तमाम कंप्यूटर जो है या डिवाइसेस जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर डिवाइस से आगे कनेक्ट हो रही है, वाईफाई के थ्रू या वायर्ड मीडिया के थ्रू। ठीक है, और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो इंटरनेट आपके पास इस डिवाइस में आ रहा है और ये डिवाइस इन तमाम डिवाइसेस को आपके इंटरनेट जो है वो शेयर कर रही है, वो आपके पास कहलाती है ISP। ISP आपके पास कोई भी कंपनी हो सकती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अगर हमारे पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास PTCL जो है वो हमें जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तार हमारे पास इंटरनेट सर्विस का यहाँ तक आता है, उसके बाद इस डिवाइस से निकल के आपके पास अलग डिवाइसेस के अंदर आपके पास ये जा रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके पास एक स्मॉल नेटवर्क बना हुआ, सही है? अच्छा, देन आप देखते हैं सर्वर क्या होता है। सर्वर इज अ कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, डेटा, सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स, नोन एज क्लाइंट्स ओवर अ नेटवर्क इन थ्योरी। व्हेनेवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विद क्लाइंट मशीन्स, दे आर कंसीडर्ड सर्वर। यानी कि सर्वर और क्लाइंट आपके पास दो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे डिवाइसेज होती हैं जो आपके आपस में शेयरिंग कर रही है, एक रिक्वेस्ट करती है तो एक रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं, इस एग्जाम्पल से कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास ये एक सर्वर है। ठीक है, अगर ये सर्वर क्यों है, जब तक आप इस ये आपके पास जो है ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक आपके पास सर्विस नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, इस सर्वर पे आपने यहां से एक तार लगाया हुआ है, यहां से आपने अपनी वेबसाइट खोली कोई सी भी गूगल की। ठीक है, जैसे ही आपने गूगल की वेबसाइट लिखकर एंटर किया तो आपके पास इसके सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई कि तो मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाना है। अब ये इसको प्रोसेस करेगा, अगर इसकी यहाँ से इंटरनेट सर्विस सही आ रही होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या करेगा, ये आपको वापस रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ आप ये ओपन कर सकते हैं और आपको ओपन करके दे देंगे, सही। सिमिलरली आपके पास होते हैं क्लाइंट। क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेस आवर सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय सर्वर एज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे इमेज में देखा कि आप क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर या जो भी डिवाइस होती है वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो इस तरह क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल कहलाता है ये, कि क्लाइंट कोई भी परफॉर्म काम करेगा, उसको एक रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, यानी कि रिक्वेस्ट करनी होगी सर्वर को या डिवाइस को, तो आपके पास वो आपको रिटर्न में जवाब देगा, उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो सर्वर देता है। देन आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, बहुत सारे आपके पास जो है वो अलग बने हुए, लेकिन निकलते इन मेन दिन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये क्या होता है। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल जो है तस्वीर से हम समझाते हैं पहले, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्डिंग के अंदर कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, ठीक है, या एक ऑफिस से तीसरे ऑफिस के अंदर, तो आपके पास कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी विद इन अ बिल्डिंग आपके पास वो नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आप उस नेटवर्क को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ही इंस्टीट्यूट की या एक ही कैंपस की 2 ब्रांचेस मौजूद हैं अलग अलग, बराबर बराबर, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पर। ठीक है, तब जब आपने उन बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट किया, यानी दो लेंस को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, तो आपके पास कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी बिजनेस कंपनी है
जो आपके पास मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल कंट्रीज में, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, वो भी आपके पास थ्रू इंटरनेट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हम मीजान बैंक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी और बैंक की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास हर शहर में आपके पास मौजूद है। जैसे कि अगर हैदराबाद में बात करें तो मीजान बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं एक सिटी में ही। इसी तरीके से हैदराबाद से कराची अगर आपके पास कोई ब्रांच है तो वो भी आपके पास इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हैदराबाद से आपके इस्लामाबाद में कनेक्टेड है या किसी और जगह पर कनेक्टेड है, तो तमाम आपके पास जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन ये थ्रू इंटरनेट बन जाएगा, तो वो कहलाता है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क या लैन इज अ नेटवर्क दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस यूजली विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग और होम। यानी एक विद इन अ बिल्डिंग आपके पास कोई भी नेटवर्क बना वो लैन कहलाएगा, ठीक है। इसके कुछ ऑप्शंस ये आपके पास प्रॉपर्टीज क्या हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फाइल एंड हार्डवेयर, फास्ट विद स्पीड फ्रॉम 10 Mbps टू 10 Gbps, यानी 10 MB/s टू 10 GB/s तक आपके पास वो है डेटा ट्रांसफर करता है। हैज लोएस्ट कॉस्ट एज कम्पेयर टू मैन एंड वैन, यानी कि लैन जो है आपके पास वो कम कॉस्ट रिक्वायर्ड करता है मैन और वैन से। लैन कैन आइदर वायर्ड और वायरलेस, वायर्ड पीडी यानी तार के थ्रू, और बगैर तार के भी आपके पास ये वाईफाई के सिग्नल के थ्रू भी लैन बन सकता है। इसके अंदर जो केबल यूज होती है वो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल कैन बी यूज इन वायर्ड लैन, ठीक है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है आपके पास। हम पीछे भी एग्जाम्पल देख के आ चुके हैं कि अगर विद इन अ बिल्डिंग कोई आपके पास कनेक्शन बना हुआ है तो आपके पास लैन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास इस चीज से कनेक्टेड है इसलिए मैं आपको इसके साथ बता रहा हूँ, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विद इन अ यूजर्स इमीडिएट एरिया। द साइज ऑफ पैन रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू अ फ्यू मीटर्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ पैन इज द कनेक्शन बिटवीन ब्लूटूथ एयरपीस एंड स्मार्टफोन। यानी कि आप ब्लूटूथ और स्मार्टफोन को जब कनेक्ट करते हैं तो आपके पास ये पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। या आपके पास कोई एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आज हम आप बहुत सारे लोग जो है वो कुछ गेम्स खेलते हैं, जैसे पबजी हुआ, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, आप अपने हॉटस्पॉट के थ्रू जो है वो ओपन करते हैं और तमाम उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब ये आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क आप डेवेलप कर लेते हैं पर्सनली, ठीक है। ये आपके पास देखें, ये आपके पास लैपटॉप है या कोई भी डिवाइसेस है, इसने आपने हॉटस्पॉट ऑन किया तो तमाम इससे जो है वो कनेक्ट हो सकता है। देन आता है आपके पास मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज लार्जर देन अ सिंगल बिल्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क, बट इट इज लोकेटेड इन अ सिंगल जियोग्राफिक एरिया दैट इज स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि किसी एक बिल्डिंग में लैन बना हुआ है, उससे कुछ ही फासले पे आपके पास जो है वो दूसरी आपके पास कंप्यूटर बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें कंप्यूटर रखा हुआ है, वहां से आप जो है वो कनेक्ट किया हुआ, यानी एक लाइन को दूसरे लाइन से आपने कनेक्ट किया हुआ है तो आपके पास वो मैन कहलाता है। जनरली इट इज सेवरल लाइन इंटरकनेक्टेड बाय डेडिकेटेड बैकबोन कनेक्शन, यानी कि बहुत सारे लाइन जो है वो एक मेन बिल्डिंग से जाके, जैसे हेड ऑफिस है फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद का भी, उससे जाके आपके पास कनेक्शन हुआ है तो आपके पास कहलाता है मैन, ठीक है। एग्जाम्पल्स के देखें, जैसे ये हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, ये एक दूसरे से जब आपके पास कनेक्ट होंगे तो ये मैन कहलाए। देन आपके पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स योर ऑफिस डेटा सेंटर क्लाउड एप्लीकेशन एंड क्लाउड स्टोरेज टुगेदर, यानी कि थ्रू इंटरनेट इन तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम डिवाइसेस को आपके पास जब वो कनेक्ट करता है तो आपके पास वो वैन कहलाता है। इट इज कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क बिकॉज इट स्पेंस बियॉन्ड अ सिंगल बिल्डिंग और लार्ज कैंपसेस टू इंक्लूड मल्टीपल लोकेशन स्प्रेड अक्रॉस अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया और इवन द वर्ल्ड। यानी कि आपके पास छोटे इलाकों से, करीब करीब इलाकों से हट के, अगर आप दूसरे शहर में, दूसरे कंट्रीज की बात करें, जब आपके पास यही बिल्डिंग या यही लैंस एक दूसरे से या यही मैन से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आपके पास एक वाइड एरिया यानी फैला हुआ नेटवर्क एरिया बन जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, पेरिस में एक आपके पास लैन बना हुआ है, एक न्यूयॉर्क में बना हुआ है, एक लंदन में बना हुआ, थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क ये एक दूसरे से कनेक्ट है। वाइड एरिया नेटवर्क आप इंटरनेट को भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस अ लिमिट जियोग्राफिक एरिया, यानी कि विद इन अ बिल्डिंग आपने अलग अलग एक सेपरेट जो है वो लैंस बनाए हुए बिल्डिंग्स के, और वही बिल्डिंग जो है वो फिर आपके एक मेन सर्वर से या मेन ऑफिस से जाके कनेक्ट हो रहा है तो आपके पास वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये देखिए यूनिवर्सिटी है, इंटरनेट ISP आ रहा है, राउटर से फायरवॉल आ रहा है, ये बैकबोन यानी कि एक जगह से आपके पास ये आकर इस पे कनेक्ट हो रही है सारी बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के अंदर भी अलग आपके पास लैन बने हुए होंगे, ठीक है, तो आपके पास सारे वो इस मेन सर्वर से या मेन जगह से आपके पास आकर कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये कहलाता है आपके पास कैंपस एरिया नेट।
ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो आज के लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम पीयर टू पीयर मॉडल पढ़ेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।